वहीं सागर तुम्हारी हर बात मानता है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तो सागर राम जैसा पति। ना ना ससुमा, सागर जी आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो राम जैसे बेटे हैं। सागर बेटा, तुम्हें दो परीक्षाओं से गुजरना होगा। एक परीक्षा जो मैं लूंगी और दूसरी परीक्षा जो मही ले। अब तुम्हें ये भी साबित करना है ना कि तुम राम जैसे बेटे भी हो। अच्छा, तो तुम मुझे चुनौती दे रही हो? ना ना ससुआ, मुझे जो सही लगा वही मैं बोल रही हूँ। हाँ, वैसे तो तुम्हें चाय ऐसे करके पीना भी सही लगता है, तुम्हें तो वो नहाने के साबुन से सागर के जूते साफ करना भी सही लगता है, और फिर उसी साबुन से नहाना भी सही लगता है, तो क्या मैं मान लूं? क्या मैं पूछ सकता हूँ बात क्या है? एक मिनट सागर, अभी नहीं, बाद में। वैसे सागर, आज से तुम वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहे। क्या? अरे वाह सागर भैया, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे 20 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। सागर, क्या मैं तुम्हें कभी अपने दिल की नहीं करने देती? हाँ, मैं भी नहीं करने देती थी जब इतना खुश हो रहे हो। नहीं नहीं, देखिए आप दोनों मुद्दे से भटक रही हैं, आप अपनी बात कुछ बता रही थी ना। मुद्दे से भटकने वाला मनुष्य जीव अपने जीवन में कब भटक जाता है ये उसे खुद को ज्ञात नहीं होता। माते, कृपया आप शांत रहने का कष्ट लेंगी? माते, कष्ट तो जीवन में आते जाते रहते हैं, कष्ट तो मनुष्य। चुप! पदवी, आज आप क्या बनी? पौराणिक धारावाहिक के लिए ऑडिशन देने जाना है, इसलिए सोनिया आज लक्ष्मण पत्नी उर्मिला बनी है। हाँ धन्ना ने, हाँ तुम्हें क्या कह रही थी? क्या कह रही थी मैं? हाँ सागर बेटा, तुम्हें दो परीक्षाओं से गुजरना होगा। एक परीक्षा जो मैं लूंगी और दूसरी परीक्षा जो मही ले। बोलो, है मंजूर? जीत गई तो ये पुतला घर में रहेगा, और अगर मैं जीत गई तो ये पुतला घर से बाहर जाएगा। हाँ बोल दिया ना। अंकल, अरे रे, ये मैं कहाँ फंस गई? अब तो कैसे भी करके मुझे जीतना ही होगा। अब सोनिया भाभी, आप बता पाएंगी आखिर किस बात पे इन दोनों पे जंग चढ़ी है? ये परिणाम है अत्यंत ही सरल वार्तालाप का अत्यधिक क्रोधित वार्तालाप में परिवर्तित होने का। फिर भाभी समझ गया, पौना भाई बात क्या है? सागर भैया बताते हैं। सागर भैया, कल रामनवमी है, रामनवमी की बातें चल रही थी, लेकिन बात ही बात ने अचानक नुकीली बहस का रूप धारण कर। मही, सागर तुम्हारी हर बात मानता है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तो सागर राम जैसा पति। ना ना ससुमा, सागर जी आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो राम जैसे बेटे हैं। अगर सागर मुझसे प्यार करता तो कल जब मैंने उसे कहा कि मेरी फ्रेंड की एनिवर्सरी पार्टी है, मेरे साथ आना, तो वो मुझे मना नहीं करता। सागर ने मुझे ये कहा कि मॉम, मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे मही के साथ जाना है, इसलिए कह रही हूँ बेटा सागर राम जैसा पति। खट्टी बात ससुमा, अभी परसों की बात है, मैंने सागर जी से कहा, सागर जी मुझे गोला खाने का बहुत मन है, मुझे गोला खाने ले चलिए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं मॉम को जरूरी काम है तो मैं उनके साथ जाऊंगा, जा। पर तुम बहस बहुत करती हो, मैं कह रही हूँ ना सागर राम जैसा बेटा नहीं, राम जैसा पति। नहीं सासू माँ, सागर जी राम जैसे बेटे हैं। राम जैसा पति है? बेटे हैं। अगर वो राम जैसा पति हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
और फिर चुनौती की बात आपने सुनी थी। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, और फिर से बीच में सागर की चटनी। भ्राताश्री, आपका कठिन समय आरंभ हो चुका है, क्योंकि माता अनसुया और भगिनी मही एक दूसरे को पराजित करने के लिए आपको किस अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहेंगे, ये तो समय ही बताएगा। और मैं समय नहीं हूँ, मैं लक्ष्मण पत्नी मिला हूँ। जय श्री लक्ष्मण। जय श्री राम। समझ नहीं पा रहा हूँ, ये जो राम जी की उपमा मिली है, इस बात की खुशी मनाऊं या फिर अफसोस जताऊं? हे राम, हमसे त्रुटि हो गई, द्वार तो उस तरफ है। अरे पौना भाई, आप तो मुझे ऐसे लेके आ रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आज के जमाने में राम बनना भी एक गुनाह ही है। व्यंग कर रहे थे। आपसे कहा व्यंग करने के लिए? सागर बेटा, तुम्हें दो परीक्षाओं से गुजरना होगा। हाँ, वो बताया था आपने। तुम्हें पहली परीक्षा में ये साबित करना होगा कि तुम राम जैसे पति, और दूसरी परीक्षा में ये साबित करना होगा कि तुम राम जैसे बेटे हो। दोनों दृष्टिकोण से है तो राम ही ना। क्या जमाना आ गया है, इस जमाने में भी भगवान रामचंद्र जी को परीक्षा देनी पड़ती है। हे प्रभु, तेरी माया निराली है। अब मॉम बताइए ना, मुझे करना क्या है? हाँ हाँ बताती हूँ, लेकिन क्या तुम ये परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ, पर मॉम मुझे करना क्या है? वो वक्त आने पर बताऊँ, जब तुम्हें परीक्षा देनी होगी ना तब। क्योंकि पहले ही बता दिया तो तुम चौकन्ना हो जाओगे और फिर उसकी पूर्व तैयारी भी करोगे, इसलिए। सागर, तुम राम जैसे बेटे भी हो और राम जैसे पति भी, ये तुम्हें साबित करना ही पड़ेगा। अगर किसी एक में भी फेल हुए तो घर में भूकंप आ जाएगा। भूकंप तो सासू माँ सागर जी को जो कार्य सौंपने वाली है ना, उससे आने वाला है दादी सास। ले, ऐसा कौन सा कार्य सौंपने वाली है ये अनुसुया? नहीं, वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सासू माँ ने मुझे सागर जी की कसम दी है, वरना तो फटक से बता देती आपको। दादी सास, सबसे पहले तो मुझे ये साबित करना है कि सागर जी राम जैसे बेटे हैं, पति नहीं। अच्छा? हाँ, और अगर मैं शर्त हार गई तो आपकी मूरत घर से बाहर, मतलब आप भी इस घर से चली जाएंगी। ये नाना बेबली, ये घर छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इसीलिए तो दादी सास मुझे ना चाहते हुए भी सागर जी की परीक्षा लेनी पड़ रही है। अनसुया, बेबली को हराने के लिए जरूर कोई चाल चलेगी। बेबली, तू बिल्कुल तानसेन मत ले, मैं हूं ना। इसी बात का तो तानसेन है दादी सास कि आप है। और नहीं तो क्या दादी सास, आप तो बिना पूछे कुछ भी कर देंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी बस। अरे अरे, मैं तुझे ऐसा ले ले प्राइमस देती हूँ बस। प्राइमस नहीं, पामिस। नाना, प्राइमस देती हूँ। पामिस। प्राइमस। पामिस। ले बोलो, दोनों को अंग्रेजी आती नहीं और कौन किसको सिखा रहा है? मैं बराबर बोल रही हूँ दादी सास। माही। ए आई। आओ, सागर जी। माही, तुम मुझे बाहर क्यों लेकर आई हो? इतनी ठंड है बाहर। हाँ? अपनी पहली परीक्षा देने के लिए तैयार हो? ये लीजिए चटाई। चटाई क्यों? अच्छा, हम लोग चटाई पे बैठ के अंताक्षरी खेलने वाले हैं, राइट? ना ना सागर जी, अंताक्षरी खट्टी बात, आपको पूरी रात इस चटाई पे सोना है। चटाई पे सोना है? मैं कोई चटाई पे सोता है क्या? रहताश्री,
आप आज के जमाने के राम हो इसीलिए चटाई मिली है। अगर रामायण के जमाने के राम होते तो चटाई पे कांटे बिछे होते। मही, यहाँ कितने मच्छर हैं? हाँ तो मच्छरों के साथ ही तुम्हें पूरी रात सोना है बेटा, यही तो तुम्हारी पहली परीक्षा है जो महीने तुम्हारी बीवी ने तुम्हें दी है। सागर जी, आप पत्नी की बात ना मानकर ये साबित कर दीजिए कि आप राम जैसे पति नहीं बेटे हैं। तो क्या तुम तैयार हो महीने दी हुई परीक्षा देने के लिए? हाँ, मैं तैयार। सागर ने अभी तो यहाँ सोने के लिए हाँ कह दी है, लेकिन बस वो पूरी रात यहाँ पे सो जाए तो ये साबित हो जाएगा कि सागर राम जैसा पति है। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। शुभ रात्रि प्रताश्री। गुड नाइट मही। जय अम्बे। हे अम्बे माँ, अब तो मैं हार जाऊंगी। ओहो, यहाँ के सारे मच्छर यहीं आ गए क्या? मही, तुम यहाँ? सागर जी, राम जी को वनवास हुआ हो और सीता उनके साथ ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? हाउ स्वीट। मही, मेरे लिए तुमने अपने आप को सजा क्यों दी? बस ऐसे ही। ओहो सागर जी, यहाँ तो सच में बहुत मच्छर है। यार। अब सो जाओ आराम से, मैं हूँ ना, मैं मच्छर मार दूंगी। सारी रात जाग कर? हाँ। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लाइफ में हर मुश्किल का सामना किया है, इन मच्छरों से भी लड़ लेंगे। जाओ आप लोग भी सोने मच्छर भाई। मच्छर बहन चुप, सो जाओ। यार मही, पूरी बॉडी अकड़ गई है और ये मच्छर अलग। गुड मॉर्निंग सागर बेटा, तुम तुम्हारी पहली परीक्षा में पास हो गए और ये तुमने साबित कर दिया है कि तुम राम जैसे पति हो। और अब पता क्या है तुम्हारी दूसरी परीक्षा का, जिसमें अब तुम्हें साबित करना है कि क्या तुम राम जैसे बेटे हो। आहा, चटाई पे सोने के बाद अब गद्दे में सोने का मजा ही कुछ और होगा। अरे ये भाई साहब कौन है? सागर बेटा, ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा का प्रश्न पत्र। क्या मतलब? हमारे लोकल अखाड़े के बहुत बड़े पहलवान, पहलवान भीम सिंह। सागर बेटा, तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम राम जैसे पति हो और उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अब तुम्हें ये भी साबित करना है ना कि तुम राम जैसे बेटे भी हो। इसलिए बस तुम्हें भीम सिंह जी के साथ कुश्ती लड़नी है और उसमें जीतना है। मैं इनके साथ? हाँ बेटा, तुम
बोलो तुम मेरे लिए भीम सिंह के साथ कुश्ती लड़ोगे ना और जीतोगे ना? अब सागर इस पहलवान से डरकर कुश्ती करने से मना कर देगा और मेरी बात नहीं मानने की वजह से ये साबित हो जाएगा कि सागर राम जैसा बेटा नहीं है। भीम सिंह जी आप जाइए, सागर आपके साथ कुश्ती नहीं लड़ेगा। भीम सिंह जी रुकिए, राम सिर्फ सीता की भावनाओं का सम्मान नहीं करते थे, वो मां के आज्ञाकारी पुत्र भी थे। मैं ये कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। सच? बाप रे, ये जोश में ये सागर ने तो हाँ बोल दिया कि मैं कुश्ती करूंगा इसके साथ, लेकिन सागर अगर तू हार गया तो इसके लिए तो मुझे कुछ जादू ही करना पड़ेगा। चित्रगुप्त जी मैं आ रही हूं कुछ लेके। मैं फ्रेश होके आता हूं। भीम सिंह जी आपको किसी भी हालत में सागर को हराना है, पर उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, एक छोटी सी खरोच, उसे आराम से चित करना है। चित्रगुप्त के पास से लाई हुई शक्ति की जादुई जल डाल दिया और ये पानी पीते ही सागर में शक्ति आ जाएगी। आइए आइए, हमारे दूसरे पहलवान सागर इस रणभूमि में आ गए हैं, जोरदार तालियां। सागर जी देखिए अभी भी वक्त है, आप मना कर दीजिए, मैं हार जाऊंगी तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको चोट वोट आ गई ना तो। नहीं मही, अब तो राम ने माँ को वचन दे दिया। भीम सिंह, पहलवान सागर आइए। भीम सिंह की तरफ से राम राम और सागर भाई का काम तमाम। देखेंगे। कुश्ती शुरू। बेबली इसको तरस लगी होगी पानी पिला देने। अरे क्या आप कब से पानी पानी कर रही हो दादी सास, अभी उसको ढिशुम ढिशुम करने दो। तो मैडम जी का जारी है शातिराना सितम और इसी के साथ कुश्ती का पहला राउंड खत्म। हाश सागर जी आराम आराम, आजा बैठ बैठ जा आराम से। सागर बहुत अच्छा किया, बेबली देख कितना थक गया ना।
पानी पिला पानी उसे। भाई देखो ना कितने पहलवान जैसे, और सागर जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। पानी ए, ए, पानी बोतल उधर पहुंच गई। अरे जा पानी की बोतल। अरे ए, पी मत, तू मत पी। अरे तो बता भी नहीं सकती। यू ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? दोनों पहलवानों पे चढ़ा है कुश्ती का बुखार, एक है लचीला तो दूसरा खूंखार। अब देखते हैं दूसरा राउंड कौन जीतेगा। जो लगाएगा पहलवान सबसे ज्यादा जान, जीतेगा वो राउंड दूसरा, और विजेता होगा पहलवान। तो क्या हो गया अचानक? क्या अरे अरे क्या, ये सागर ने पिया नहीं पानी, इसने पी लिया। अरे क्या आप पानी पानी कर रहे हो दादी सास? ना ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं तो ऐसी। तीसरा आखिरी राउंड, जो पहलवान लगाएगा दमखम वो राउंड जीतेगा। सागर भैया जल्दी से बैठ जाओ। थैंक यू पोना, ये तो गुर्रा रहा है, ये तो ये आदमी हैवान है। सागर पी ले बेटा पानी, पी ले सागर पानी। अब होगा आखिरी मुकाबला यानी तीसरा राउंड। भीम सिंह आजा, आजा कुश्ती सिखाता हूं, आजा आजा। सियावर रामचंद्र की जय। 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 भीम सिंह का हो गया काम तमाम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और इसी के साथ सागर भैया जीत गए। सागर आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम राम जैसे बेटे हो और राम जैसे पति भी। तुम्हें इसका मतलब ये हुआ कि दादी सास की मूरत इस घर से बाहर नहीं जाएगी।